हेलो, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? हाँ, फरमाइए। बिट्टू आपा को भेजना, बात करनी है उनसे। फिलहाल वो किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों, पंखे से लटकाए हुए उन्हें क्या? हाँ, यही समझ लो, ताकि खुल के हवाले सके इतनी घुटन ज्यादा माहौल से जो आ रही है। देखो यार, मेरा बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं। तो हमें आपके मूड को फॉलो करना होगा। छोड़ो यार, मैं खुद बात कर लेता। अरे ऐसे कैसे बात कर लेता हूँ। बिट्टू आपा, कोई अस्तन मुनीर मिलना चाहता है आपसे। उनसे कह दो पहले उसकी माँ की कही हुई बातें हजम कर लूँ ना, फिर बाकी खानदान से भी बात कर लूंगी। बढ़िया आया मिलने। सुन लिया, हो गई तसल्ली। चलो चलते फिरते नजर आओ और दरवाजा बंद करके जाना। वैसे बड़ा अच्छा मौका था असफी को खरी खरी सुनाने का। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? बेचारा नहीं है वो। बिट्टू आपा, मैं आपको एक बात बता दूं, उस घर का एक एक बंदा इंतहाई मक्कार है। खैर मक्कार तो नहीं है, लेकिन सलीका भाभी जबान की बहुत तेज है। इंसान की जबान पे वही होता है जिसके दिल में होता है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है और असफी तो मिन्नतें कर रहा था कि वापस आ जाए। कोई जरूरत नहीं है जाने की, मुझसे ज्यादा उस डफर को कोई नहीं जानता। डफर कहीं का एक नंबर का फ्रॉड है वो। खैर ऐसे तो मत कहो, बचपन से तुम लोगों को जानती हूँ मैं, रग रग से वाकिफ हूँ और असफी तो बहुत ही प्यारा है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको भड़काने की कोशिश कर रही हूँ? मुझे तो ये लग रहा है कि तुम मेरे यहाँ आने से बहुत खुश हो। कसम से मैं तरस गई थी दिल की बात करने के लिए, और अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। किसका? ओ अरे कुकु मामू, आपको पता है कितने वक्त पे फोन कर रहे हैं? मैं अभी बिट्टू आपा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, पता ही शिफ्ट हो गई है वो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? इस रूम में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। अरे भाई हिम्मत करो ना, थोड़ा सा जोर लगाओ। वाह, आप यहाँ मजे से टांगे दबा रही हैं। चलो तो तुम आ गए हो, गला दबा दो ना, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किस्सा खत्म। बिट्टू आपा को वापस लेकर आया ना घर? क्यों, दो चार दिन रह ले वहाँ अपने बाप के पास। बीएमआई इंसल्ट है मत। अच्छा, यानी तुम्हारी झूठी अना के लिए बिट्टू को मैं वापस बुलवा लूँ। वैसे तुम्हारी फूफी जिए या मरे तुम्हें कोई परवाह नहीं। खुदा का खौफ करें बी अम्मा, गलत बातें तो ना करें। अरे अपनी माँ को भी थोड़ा सा खुदा का खौफ दिलवाओ, क्यों बिट्टू के पीछे पड़ी रहती है हर वक्त? दादी मैं तो अकेले दबा रहा हूँ, ये तो दबा ही नहीं रही, ये तो बेमानी कर रही है। ओफ अल्लाह, अच्छा चलो बस करो, बहुत हो गया। चलो बच्चों निकलो बाय। चाचू शाम की पार्टी का क्या हुआ? ये कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी? छोड़े भी अम्मा, सरप्राइज डिनर और म्यूजिकल इवनिंग प्लान की थी मैंने निदा भाभी और फराज भाई के लिए। आज के लिए ना बहुत सरप्राइजेज हो गई है, अब और सरप्राइज बर्दाश्त नहीं होगी, फिर कभी कर लेना, कल कर लेना। सुना तुम दोनों ने, कल करेंगे अब चलो जाओ शाबाश। हाँ दादी हमारी खर्ची दे दे। अरे चल, बेईमान ना हो तो भाग यहाँ से।